नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोविड-19 को लेकर सीएम त्रिवेंद्र की समीक्षा बैठक में सीएम ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। लड़ाई में लगातार सतर्कता जरूरी। लॉकडाउन के सहारे चुनाव की तैयारी। काशीपुर में सहारा दे गए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। दसवां संस्कार में शामिल होने आए थे हरीश रावत। भाजपा के मुख्य पत्रिका देव कमल का लोकार्पण। मोदी सरकार के एक साल पूरे होने पर लॉन्च। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंशी धर ने किया लोकार्पण। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभिभावकों को दी राहत। का फीस के लिए दबाव न डाले प्राइवेट स्कूल। पहाड़ी इलाकों में मानसून बरपा रहा है कहर। कहीं नदी नाले उफान पर तो कहीं उड़ी छत की घर की छतें। कोरोना पर रिकवरी दर में उत्तराखंड देश का पांचवा राज। मरीजों की ठीक होने की दर 80% से अधिक। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 के संबंध में सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करी। बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 के एक्टिव मामलों में कमी होने पर भी लगातार सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासनिक स्तर पर किसी तरह से शिथिलता नहीं होनी चाहिए। शनिवार को मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम तथा बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करी। उन्होंने कहा कि हमारी रिकवरी रेट 81% से अधिक हो गई है। मृत्यु दर को कम करने में विशेष ध्यान देना होगा। गंभीर मामलों पर जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वयं लगातार नजर रखें। ऐसे मामलों में अविलंबन रिस्पॉन्स सुनिश्चित किया जाए। लगातार सर्वेलांस किया जाए और संदिग्ध मामलों में सैंपलिंग जरूर की जाए। बद्रीनाथ धाम की यात्रा इंटरस्टेट उत्तराखंड के लिए शुरू होने के बाद बद्रीनाथ धाम में कोई भी होटल रेस्टोरेंट नहीं खुलने से यहां श्रद्धालुओं सहित मौजूद काम करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब प्रशासन की मदद से बद्रीनाथ धाम में पहला रेस्टोरेंट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। अब बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ धाम में भूखा नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां स्थानीय युवाओं द्वारा एक रेस्टोरेंट कोरोना काल में खोल दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ धाम में भूखा ना रहना पड़े। बाजपुर में करीब 6000 एकड़ जमीन की प्रशासन द्वारा खरीद फरोख्त पर रोक लगाए जाने के मामले में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने जमीन पर रोक लगाए जाने के मामले में अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही और गलत निर्णय की वजह से किसान परेशान है और 57 विधायक वाली बहुमत की सरकार बदनाम हो रही है। उन्होंने कहा है कि लापरवाह अधिकारियों की शिकायत लेकर केंद्र सरकार के पास जाएंगे। अरविंद पांडे ने बाजपुर के किसानों को विश्वास दिलवाया है कि किसी के साथ कोई अहित नहीं होगा। आपको बता दें, जमीन के मामले में किसानों के साथ कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है और प्रशासन द्वारा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के मामले में त्रिवेंद्र सरकार को दोषी ठहरा रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी किसान का भी एक इंच जमीन हम दिशाहीन कार्य करने की वजह से आज बाजपुर में हमारे हजारों किसान के परेशान हुए हैं, उसकी शत प्रतिशत जिम्मेवारी मैं आदमी पर लेता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी किसान का भी एक इंच जमीन हम बिगड़ने नहीं देंगे, ना उन पे आंच आने देंगे। 100% उनके बचाव मेरी जिम्मेदारी है। जून से मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद सहराज के तमाम क्षेत्रों में भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। यही न भारी बारिश के चलते प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कई मार्ग बाधित होने की सूचना भी आ रही है, तो कहीं जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य में 23 जून से मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद से ही राज्य के तमाम क्षेत्रों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। यही नहीं, अब भारी बारिश के चलते प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कई मार्ग बाधित होने की सूचना आ रही है, तो कहीं जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी क्रम में चमोली जिले के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 बारिश के चलते दो जगहों पर रास्ते बाधित हो गए हैं। इसके साथ ही भारी बारिश के चलते अलकनंदा नदी भी उफान पर आ गई है,
बता दें मानसून की दस्तक के बाद प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका जताई थी। यही नहीं, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया था कि आगामी दिनों में प्रदेश के तमाम हिस्सों में भारी बारिश का असर देखने को मिलेगा, जिसका असर अब प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में राजधानी सहित कुमाऊं और गढ़वाल के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही आगे मानसून आने वाले समय में प्रदेश में और भी ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। मौसम के लिए बात करें, आज 4 जुलाई हो गई है, तो आज 4 जुलाई के लिए तो बोला गया था कि जो है अच्छी रेन पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम और ज्यादातर जगहों में है। साथ में जो है 5 तारीख में भी इसी तरह एक्टिविटी रहेगी, वो भी पूरे प्रदेश में आप हल्की से मध्यम बारिश देखेंगे तो ज़्यादातर जगहों में मिलेगी। और आज और कल के लिए जो हैवी रेन्स है, आज आप ये कह लीजिए कि आज दिन शाम से लेके और कल दिन तक जो है अगर बात कर लें 5 तारीख को, तो उसमें जो हैवी रेन्स है वो भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं पर, खासकर आपका जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, नैनीताल है, देहरादून है, या फिर टेहरी और रुद्रप्रयाग। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते चमोली जिले के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जगहों पर बंद हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार पागल नाला और पीपल कोटी के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बाधित हो गया है, जिसके चलते यातायात ठप हो गया है और तमाम यात्री इस मार्ग पर फंस गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन मार्ग खोलने की कवायद में जुटा हुआ है ताकि मार्ग पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। एक तरफ उत्तराखंड में मानसून सक्रिय हो चला है तो कहीं ना कहीं अलकनंदा सहित कई नदियां अपने उफान पर बह रही हैं। एक तरफ सरकार कोविड और चारधाम यात्रा को लेकर लगातार सक्रियता दिखाए हुए है तो कहीं ना कहीं मानसून भी सरकार के सामने बड़ी परेशानी बनकर खड़ा हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में कुमाऊं से लेकर गढ़वाल के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवाओं और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा रेस्टोरेंट दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दुरुस्त पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत की 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोरोना महामारी से परेशान युवकों व प्रदेश से बाहर आ रहे प्रवासियों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उत्तराखंड के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के मूल निवासी स्थायी निवासियों के लिए है। इस योजना को करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हो रहे हैं। सहकारी विकास परियोजना तथा गंगा गाय महिला डेयरी योजना व आंचल मिल्क बूथ स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पंजीकरण से लेकर ऋण प्राप्ति तक की संपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं। स्वरोजगार अपनाए, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी के आदेशों का कैसे किया जा रहा है सरेआम उल्लंघन और उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या कर रहा है जिलाधिकारी देहरादून के आदेशों से सरोकार, इसी का जायजा लेती है। पेश है आपके लिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना काल में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए शहर में सैनिटाइजेशन के कार्य की आवश्यकता सरकार और जिला प्रशासन को नजर आई तो लिहाजा शासन के आदेशों के बाद जिलाधिकारी देहरादून ने राजधानी में 5 जून 2020 को शनिवार और रविवार 2 दिन साप्ताहिक बंदी करने के आदेश जारी किए, जिसमें जिलाधिकारी देहरादून के मुताबिक आवश्यक सेवाओं से संबंधित स्वास्थ्य चिकित्सा, पेयजल, नगर निगम, विद्युत विभाग के सभी कार्यालय खुले रहे, बाकी सभी प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकारी अध्यक्ष एपी जोयाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए डीएम के आदेशों का सरेआम उल्लंघन होना बताया है। यूकेडी नेता के मुताबिक एक और राजधानी में कोरोना वायरस विपत्ति काल में सैनिटाइजेशन के कार्य करने के लिए 2 दिन की साप्ताहिक बंदी का आदेश जिला अधिकारी देहरादून ने जारी किया, जिसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद करने का आदेश जारी किया गया। लेकिन उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के द्वारा अपने कार्यालय को आवश्यक सेवा में न मानते हुए पूर्ण बंद करने का आदेश जारी किया गया, जो कि जिला अधिकारी देहरादून के आदेशों का सरेआम उल्लंघन है। यूकेडी के नेता ने सरकार के संज्ञान में इस पूरे मामले को लाने के लिए नजदीकी थाने में रजिस्टर्ड डाक के जरिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की है। डीसी के मिश्रा जी ने जो जिलाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए जबरदस्ती अपना कार्यालय को बंद रखा, जबकि उसको खुला रखने का आदेश थे, तो इसमें जितने भी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह भी देनी पड़ी होगी और अत्यवित्तीय जो अन्य भी वित्तीय भार भी जो है वो विभाग पे या सरकार पे पड़ेगा। तो हमारी ये मांग है कि जिलाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए और जो नुकसान जो सरकार का जो आर्थिक नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी इन पे तय करते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जो आर्थिक नुकसान सरकार का होगा उसकी वसूली इनके वेतन से। इस पूरे प्रकरण पर जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने जवाब देते हुए कहा कि इसेंशियल सर्विसेज के ऑफिसेज खुले रहेंगे। अगर कोई इस तरीके से देखे, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के लिए भी एक चीज है कि जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की सप्लाईज हैं वो इसेंशियल सर्विस में है, आई थिंक जो सब स्टेशन और जो इनके होते हैं, और उसके अलावा भी जो इसेंशियल सर्विसेज के दफ्तर है, वैसे तो खैर इस शनिवार को, कल जो शनिवार है उसमें सारे दफ्तर नॉर्मली खुलेंगे, ये खोल दिए गए हैं, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ और जनपद के अलग अलग जगहों पे, जैसे विकास नगर का एरिया है वहाँ पर शनिवार को, देहरादून और डोईवाला का जो एरिया है इसमें रविवार को, और जो ऋषिकेश का एरिया है उसमें बृहस्पतिवार को, गुरुवार जो है उस दिन के लिए साप्ताहिक बंदी के आदेश वहाँ के व्यापार मंडल के साथ मिल करके किए गए हैं। वही उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिलाधिकारी जो भी आदेश करते हैं वो आदेश अपने आप नहीं करते, वो आदेश शासन के, क्योंकि जिलाधिकारी जो जिले में वो शासन का प्रतिनिधि है, सरकार का प्रतिनिधि है, तो उसका तो सारे विभागों में बाध्यता है उसके आदेश मांगने की, अलग से आदेश की आवश्यकता ही नहीं। स्कूल अगर जिलाधिकारी बंद करते हैं तो आप ये बताइए DIS क्या अलग से आदेश जारी करते हैं, जिलाधिकारी के आदेश के संदर्भ में ही देते हैं।
इसी प्रकार से कोई भी विभाग हो उसको अगर आदेश का पालन शासन का करना है तो उसको जिलाधिकारी का आदेश मानना चाहिए। शहर को कोविड 19 के प्रकोप से बचाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन के जरिए समय समय पर गाइडलाइन आती रहती हैं, लेकिन जब जिला अधिकारी के द्वारा कोई आदेश जारी किया जाता है तो उसको जिले के सभी विभागों को मानना होता है। लेकिन उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसे आवश्यक सेवाओं के प्रतिष्ठान अगर जिला अधिकारी के आदेशों का अनुपालन नहीं करेंगे तो लिहाजा इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है या तो विभागों में सामंजस्य नहीं है या फिर आवश्यक सेवाओं में कार्य करने वाले विभाग जनता और सरकार के प्रति अपनी जवाबदेही नहीं समझते। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब, बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर सोना शिखर के पास स्थित चिनाब घाटी नाम की एक जगह है, जहां पर इन दिनों बर्फबारी के बाद बड़े बड़े ग्लेशियर पर्यटकों को अपने आकर्षित कर रहे हैं। कोरोना जैसी खतरनाक विश्वव्यापी बीमारी की वजह से यहाँ पर्यटक नहीं पहुंच पा रहे, जिससे पूरी घाटी सूनी पड़ी हुई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सफेद चादर से ढके पहाड़, चिनाब घाटी में बिछी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटक ना पहुंचने से सूनी पड़ी घाटी। घाटी में खिले रंग बिरंगे फूल, ग्लेशियरों की सुंदरता पर चार चांद। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर सोना शिखर के पास स्थित चिनाब घाटी नाम की एक जगह है, जहां इन दिनों बर्फबारी के बाद बड़े बड़े ग्लेशियर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कोरोना जैसी खतरनाक विश्वव्यापी बीमारी की वजह से यहां पर्यटक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे पूरी घाटी सूनी पड़ी हुई है। हालांकि इस घाटी के बारे में उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र पर आज तक ये घाटी अंकित नहीं हो पाई है। लेकिन जोशीमठ के पास थैंग गांव के लोग हर वर्ष इस घाटी को प्रचारित करने के लिए इस घाटी में पहुंचते हैं और यहां की तस्वीरें सैलानियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। 2019 और 20 में जिस तरीके से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हुई थी, उसके बाद इस घाटी में सुंदरता और भी बढ़ गई है। हालांकि धीरे धीरे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और रंग बिरंगे फूल खिलने जा रहे हैं।
लेकिन इन ग्लेशियरों की सुंदरता प्रकृति पर चार चांद लगाने का काम कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से घाटी में भारी बर्फबारी है और स्थानीय प्रकृति प्रेमी यहां पहुंचकर मौज मस्ती कर रहे हैं। चमोली से के न्यूज इंडिया के लिए अजय कृष्ण मेहता की रिपोर्ट। मौसम विभाग द्वारा आगामी 36 घंटे के लिए राजधानी देहरादून में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया है कि मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी के अनुसार जिले में हाई अलर्ट कर दिया गया है। देहरादून शहर में ज्यादा सतर्कता बरतते हुए सभी SDM, आपदा प्रबंधन, नगर निगम, PWD, सिंचाई, स्वास्थ्य, पेयजल समेत कई विभागों को अलर्ट पर कर दिया गया है। एसेंशियल सर्विसेज है वो चलती रहेंगी, किसी को एसेंशियल वर्क के लिए कम्यूट करना है वो भी चलता रहेगा। तो लेकर के हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी और आज से 36 घंटे के लिए एक अलर्ट जारी हुआ है देहरादून शहर को लेकर के कि सिटी एरिया के अंदर भारी बारिश हो सकती है। उसके लिए जितने हमारे जो SDM है, आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है, उसके बाद सिंचाई विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है हमारा, इसके अलावा PWD है और नगर निगम है, इन सभी को जो है एक्टिव कर दिया गया है और अलर्ट मोड पर रखा गया है। अनलॉक 2 में देहरादून वासियों को राहत देते हुए जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने शहर में रविवार को सभी दुकानें, सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस खुले रहने के निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ शहर में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन न होकर साप्ताहिक बंदी के अनुसार विकास नगर में शनिवार, देहरादून और डोईवाला में रविवार, ऋषिकेश में गुरुवार को बाजार बंद रहेंगे। वहीं आवश्यक सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। है वो बंदी बहुत स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया कि विकास नगर के लिए शनिवार है, जो विकास नगर तहसील का एरिया है। इसके अलावा जो हमारा देहरादून तहसील का एरिया है, यहाँ पर संडे रहेगी क्योंकि पहले भी संडे ही होती आई है। डोईवाला ने अपना संडे के लिए ही डिसाइड किया है, अभी व्यापार मंडल ने, तो वहाँ भी संडे चलेगी। और ऋषिकेश तहसील ने अपना डिसीजन गुरुवार के लिए किया है, तो वहाँ गुरुवार को। गदरपुर के बुद्ध बाजार स्थित सब्जी मंडी में कीड़े फैलने के बाद नगर पालिका प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। अधिशासी अधिकारी हरिचंद ने बताया कि बुद्ध बाजार में कंपनी द्वारा लगाए गए बॉक्स को भी जल्द हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ कंपनी को नोटिस भेजकर चेतावनी भी दी गई है, अगर कंपनी की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता है तो कंपनी को अनुबंध से हटा दिया जाएगा। तो KPS कंपनी क्यों नहीं काम कर रही, खुद आपके कर्मचारी क्यों कर रहे हैं? काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम द्वारा लिए जा रहे दाखिल खारिज के 2% शुल्क को तत्काल समाप्त करने की मांग को लेकर नगर निगम परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया है और जमकर नारेबाजी करी गई। काशीपुर महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा है कि उत्तराखंड में काशीपुर के अलावा किसी भी नगर निगम में दाखिल खारिज शुल्क नहीं लिया जाता, जिसे काशीपुर नगर निगम को भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिए। वहीं नगर निगम के मेयर उषा चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव के नजदीक आते ही आरोप लगाना शुरू कर देती है। नगर निगम में जो धरना प्रदर्शन है आज, वैसे तो बहुत सारे मामलों का लेकर है, लेकिन आज मुख्य बिंदु जो है वो मुख्य बिंदु है जो 2% दाखिल खारिज शुल्क नगर निगम में चला आ रहा है। आज हम समस्त कांग्रेस परिवार की और इस जागरूक काशीपुर की जनता की ये मांग है कि 2% दाखिल खारिज शुल्क तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूरा होने पर भाजपा उत्तराखंड के मुख्य पत्रिका देव कलम के विशेषांक का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री अजय कुमार, उपाध्यक्ष डॉ. देवेंद्र भसीन, महामंत्री कुलदीप कुमार व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुद को आजमाया तो ये अंदाज आया, Mount Literacy School, Mundao, number one in academics, number one in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world-class infrastructure ke saath, Mount Literacy School, Mundao. नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक तलाश, स्ट्रीट फीचर की तलाश में छापेमारी जारी, लग्जरी गाड़ियों को भी शौकीन है स्ट्रीट फीचर।